नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए आखिरी दौर का मतदान हो चुका है। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और कयासों के बाजार की गर्माहट मार्च में ही मई होने का एहसास करा रही है। ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील हुए तो उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखे जन संदेश का जनादेश। किसके हाथों में होगी यूपी की कमान? क्या उत्तर प्रदेश रचेगा नया कीर्तिमान? किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? देखिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ अनुमान। सूबे में सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल्स बाहर आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स की माने तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी ही। ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा, क्योंकि अब तक यूपी में लगातार दो बार किसी को कुर्सी हासिल नहीं हुई है। भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ चुनावी समर में उतरी थी, तो जाहिर सी बात है पार्टी अगर सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम की कुर्सी से नवाजेगी और यूपी नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ओपिनियन पोल्स का निचोड़ देखें तो प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 70 से 80 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो 202 के जादुई आंकड़े से काफी आगे है। 2017 में भाजपा गठबंधन ने 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। सपा गठबंधन को 2017 की महज 47 सीटों के मुकाबले इस बार 80 से 100 सीटों का फायदा होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन वो सत्ता के सपने से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। हाथी की चाल इस बार 2017 से भी धीमी दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस की लड़की भी लड़ाई में फेल होती नजर आ रही है। इन दोनों ही दलों को 5 से 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में बसपा को 19 सीटें हासिल हुई थी तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।